सितारगंज नगर में हो रहे हादसे और युवा पीढ़ी पर फैल रहे नशे को देखते हुए सितारगंज पुलिस द्वारा कोतवाली में नगर वासियों के साथ बैठक की गई। कोतवाल ने वाहन स्वामियों व चालकों से दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों के पालन करने के लिए जोर दिया। और नशे को कैसे रोका जाए, नशा और एक्सीडेंट का कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक है, तो उस संबंध में हमने डंपर मालिकों, ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को सबको बुलाकर एक मीटिंग आयोजित की गई और संबंध में बताया गया कि हम क्या कर सकते हैं नशे को रोकने के लिए और एक्सीडेंट को रोकने के लिए। उसी पर वार्तालाप और दोनों के सबके सहयोग लेने के लिए उनके जो समीक्षण हैं वो सुने गए हैं और अमली तैयार की गई है कि अब आगे हम कानूनी प्रक्रिया कैसे अपनाएँ। और इस मुहिम में हमने जो आध्यात्मिक लीडर हैं, जो आर्मिक लीडर हैं, स्पिरिचुअल जो भी मस्जिदों के इमाम, गुरुद्वारों के ग्रंथी साहब मान और मंदिरों के पुजारी, हमने सभी का राधा स्वामी सत्संग सभी का हमने इसका सहयोग लिया है ताकि वो अपने रूहानियत से या अपने उद्देश्यों से लोगों को रास्ते पर लाते हैं, तो वो भी हमारा काउंटर पार्ट है। तो हम इधर कानून के जरिए उन लोगों के उनको जहन तब्दील करने के लिए हमने दोनों को मिलाकर एक मुहिम का आगाज़ किया है इसी परिप्रेक्ष्य में, ताकि हम नशे से कैसे छुटकारा पाएँ और एक्सीडेंट कैसे कम किए जाएँ। एक बैठक बुलाई थी क्योंकि यहाँ बहुत घटनाएं हो रही हैं और बहुत नौजवानों की मौत हुई है, उसकी हमें बहुत ज़्यादा दुख है। इसलिए आज हमने सब लोगों ने बैठ के, शहर वाले गणमान्य लोग भी थे और हम लोग ट्रांसपोर्टर भी थे, तो बैठ के ये निर्णय लिया गया कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इसको कैसे रोका जाए। उसमें सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और मेरी तरफ से सबको एक मेरा सुझाव ये है कि एक्सीडेंट जो होता है कोई जान के नहीं करता, अगर बाई चांस कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पब्लिक को भी चाहिए कि उसके ऊपर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसको इतना उत्तेजित नहीं करना चाहिए कि वो जब डर के मारे भागता है तो और घटना को आगे अंजाम देता है। और दूसरी चीज़ मैं एक और आज सब आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बाई चांस कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मेरी जनता से अपील है कि सब लोगों को उनको उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पे पुलिस केस हो जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। हमें पहले उसको उठा के उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कहीं और जाना चाहिए।